काफी ज्यादा अच्छी तरह से यहाँ पे काम किया है इसने। दोस्तों यहां पर है मेरे पास एक ड्रिल मशीन और आज इस ड्रिल मशीन की मदद से हम लोग बनाने वाले हैं एक घास कटिंग टूल। आप लोगों ने कई तरह की वीडियो देखी होंगी जिसमें एक ग्राइंडर को घास कटिंग टूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और घास काटने की अलग से मशीन भी आती है, लेकिन एक वीडियो में दिखाया जाता है कि एक अलग से मशीन होती है घास की कटिंग के लिए जिसमें एक केबल लगी होती है रबड़ की या प्लास्टिक की, या वो तो मैंने टच करके या फिर मैंने बाई फेस तो उसको नहीं देखा है, लेकिन वीडियोज में मैंने उसको देखा है। तो उसमें तार लगे हुए होते हैं ऐसे और ऐसे, और वो जब तेजी के साथ रोटेट करते हैं तो घास को बड़ी अच्छी तरह से रिमूव कर देते हैं। तो यहां पर तेजी के साथ रोटेट करने के लिए हमारे पास है ड्रिल मशीन और इसमें तार लगाने के लिए हम कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे, यानी कि इसमें गांठ मार देंगे तो भी लग जाएगा या फिर उसको लगाकर उसके ऊपर टेप लगा दो तो भी लग जाएगा। तो आज देखते हैं कि हमारी जो ड्रिल मशीन है एक घास कटिंग टूल की तरह काम करती है या नहीं। तो वीडियो काफी नॉलेजेबल और मजेदार भी होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। दोस्तों इसके लिए हमें एक ड्रिल मशीन चाहिए होगी जो कि हमारे पास यहां पर है, और दूसरी चीज चाहिए होगी इस तरह का तार। अब इसको इसके ऊपर इस तरह से हम गांठ लगा देते हैं और इसको हमारे यहां पर बोला जाता है खूंटा गांठ। अब ये खूंटा गांठ लगा देते हैं। अब इसको खूंटा गांठ क्यों बोला जाता है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जो हमारे बर्द होते हैं यानी कि बैल होते हैं जो बुग्गी वगैरह में चलते हैं बैलगाड़ी में चलते हैं, उनके जो रस्सी होती है जिनसे उनको बांधा जाता है उनमें कोई फंदा वगैरह नहीं होता, तो उनको खूंटे से बांधने के लिए इस तरह की गांठ लगाई जाती है आप लोगों को दिखाई दे रही हो तो, और इसी वजह से इसको खूंटा गांठ कहा जाता है हमारे यहाँ पे। आप लोगों के यहाँ पे जो भी कहा जाता है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो हमने इस तरह से अभी प्रयास कर रहे हैं इसको भाई किस तरह से हमारा वर्क करेगा, करेगा भी या नहीं करेगा। तो यहाँ पे ड्रिल मशीन का जो ये बिट है इसके छोड़ पे ये लगा दिया है और अब जैसे ये घूमेगा तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा और मेरे हिसाब से ये वर्क करेगा। तो पहले इसको ऐसे ही चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन रेडी है, अब इसको चला के देखते हैं और फिर देखते हैं इसका क्या बनता है। तो यहाँ पर जो दिक्कत आई है हमें, ये हमने यहाँ पे लगाया था और ये घूमने के कारण थोड़ा पीछे की तरफ जा रहा है। एक बार फिर से आप लोगों को दिखाता हूँ और इसमें काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन या डिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो इसको कम करने के लिए एक और तरीका है मेरे पास, तो पहले इसको यहाँ से निकालते हैं। हमें यूज़ करना होगा इस टेप का, देखते हैं ये वर्क करेगा या नहीं। तो इस टेप को लगा देते हैं इसके ऊपर थोड़ा इस तरह से ताकि ये इधर उधर मूव ना करे, क्योंकि भाई हो सकता है कि इसके इधर उधर मूव करने की वजह से ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहा हो। तो यहाँ पर इसको लगा देते हैं और ऐसे ही लगाते हैं दूसरी तरफ, यानी कि दोनों तारों को एक तरह से सिक्योर कर रहे हैं हम यहाँ पे कि भाई ये इसी जगह पर बने रहे अपनी इसी पोजीशन पे, क्योंकि उसमें क्या होता है एक थोड़ा छोटा सा चक होता है, यानी कि एक इस तरह का चक होता है जिसमें उन तारों को सेट किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास वो चक नहीं है, लेकिन हम इस टेप की मदद से उस काम को थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अगर होता है तो, नहीं तो और भी जुगाड़ है दोस्तों। इस तरह का हो गया, ये छोटा रखा ये बड़ा रखा, उसके पीछे के भी रीजन है आप लोगों को बता दूंगा। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो इस बार हमारा डिफ्लेक्ट नहीं होता और यहां पे ट्राई करके देखते हैं इस गेट की जगह पर। तो यहां पे दोस्तों ये काफी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है और अब देखते हैं इससे घास को रिमूव करके, यानी कि फिलहाल हमारे काम का हो गया कंप्लीट, यानी कि आसानी से वर्क करेगा। और ये छोटा वाला किस लिए रखा है, ये बड़ा वाला किस लिए रखा है, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन बताना, नहीं पता हो तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को बता दूंगा इन दोनों का जो लेंथ है वो अलग अलग मैंने क्यों रखी है। मेरे जो लॉजिक है उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा, आपका जो लॉजिक है उसके अनुसार आप लोग बताना। तो दोस्तों हम लोगों ने अपना कनेक्शन ड्रिल मशीन का दे दिया है और यहाँ पर है घास। अब नीचे जाना था, नीचे वहाँ पे घास के लिए जा सकते थे, लेकिन उतनी लंबी केबल हमारे पास नहीं है उसको कनेक्शन देने के लिए, क्योंकि उस प्लॉट के अंदर कोई भी बिजली का कनेक्शन नहीं है और हमारे घर से यहाँ से जाने के लिए काफ़ी लंबी केबल चाहिए होगी, तो इतनी लंबी केबल तो हमारे पास नहीं है। लेकिन ये ड्रिल मशीन है और यहाँ पे घास का कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा इस छत के ऊपर, तो छत के ऊपर जैसे हो जाती है तो इस घास को काट के देखेंगे कि भाई हम लोग कितने सक्सेस हो पाते हैं इस चीज़ में। तो यहाँ पर एक बार इस ड्रिल मशीन के कनेक्शन को आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर ड्रिल मशीन है और ये हमारा एक्सटर्नल बोर्ड है और यहाँ से हमने इसको कनेक्शन दिया है, ये यहाँ पर लगा हुआ है और इसके अंदर इसका स्विच है, तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोगों ने ये कटआउट सिस्टम लगा रखा है जिससे हमें करंट की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ऐसे कनेक्शन हमें हाथों से ही करने पड़ते हैं, कई बार क्या होता है कि बिजली का ज़्यादा खतरा होता है,
तो आप लोग ऐसा कुछ करो तो पूरी सेफ्टी का ध्यान रखना, आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं, ये हो गया ऑन, और ऑन होने के बाद हमारा पूरा के पूरा कनेक्शन अब रेडी हो गया है। तो एक बार ड्रिल मशीन को चला कर देखते हैं। यहाँ पे ये रही ड्रिल मशीन, और तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से घूम रही है। अब देखते हैं इसका जलवा की जो हमने चीज़ बनाई है वो वर्क भी करती है या फिर ऐसे ही है। कैमरामैन जल्दी से फोकस करो। और दोस्तों इसका इतना विश्वास नहीं था कि इतनी अच्छी तरह से काम करेगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से यहाँ पे काम किया है इसने। आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग में यहाँ पे कितनी ज़्यादा घास थी, और ये बिल्कुल एक बहुत ही बेहतरीन अचीवमेंट है हम लोगों के लिए। आप लोगों को इसको हटा के दिखाता हूँ, तो आप लोग देखोगे कि बिल्कुल मक्खन की तरह इसने यहाँ से इसको काट दिया। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से इसने पूरी तरह से यहाँ से घास को रिमूव कर दिया, बशर्ते इसका जो बड़ा वाला तार था वो टूट गया है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हमारा जो तार था काफ़ी ज़्यादा पुराना था। अगर आप नया वाला तार लेते हो तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो छोटी सी घास है, इसको बैठा कर देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे घास का क्या हाल हुआ है, यानी कि जो खरपतवार है उसको अच्छी तरह से रिमूव कर सकता है। तो भाई लोगों ये था आज का वीडियो, आप लोगों को जैसा भी लगा वैसा तो कमेंट सेक्शन में बता ही देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी भाई हाँ कोई ना कोई हमारे वीडियो को देखता है और देखने के बाद हमें उस चीज़ का रेस्पॉन्स भी देता है। अब ये आइडिया आया कहाँ से, यहाँ पर हमारे एक भाई हैं कुल्ली भाई, जो पहले कई वीडियो में आ चुके हैं, कुलवीर सिंह। तो उनके घर में छोटा सा पार्क है, तो उनके पास ड्रिल मशीन तो है लेकिन इस तरह का लॉन रिमूवर कोई सामान नहीं है। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि भाई इस तरह से आप ड्रिल मशीन की मदद से अपनी घास को आसानी से रिमूव कर सकते हो, क्योंकि उनका छोटा सा घर है तो वहीं पे उनका लॉन है यानी कि पार्क है छोटा सा, तो उसमें से इस तरह से आप घास को रिमूव कर सकते हो जैसा हमने यहाँ पे किया था। और आप लोगों को बता दूँ केवल दिखावटी चीज़ ये नहीं है, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो तो आप लोग इसको बना के देखना, और बनाने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाओगे, बशर्ते आपको तार थोड़ा नया वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पुराना वाला था और ये इस तरह से करने से ही टूट जाता है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे ये टूट गया मोड़ने से, और यहाँ पे ये टूट गया मोड़ने से, तो इस वजह से ये प्रूफ होता है कि ये पुराना वाला, क्योंकि इसकी जो प्लास्टिक है यानी कि ऊपर वाली रबड़ है इसमें से जो ऑयल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यानी कि सूख गया है। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय हिंदुस्तान।